आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन दिस क्वेश्चन एंगल LMN इक्वल टू एंगल LKN इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट MK इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट LN, then we have to find out या we have to prove that R is the midpoint of segment MK. ये जो MK segment दिया है इसका midpoint R होगा, ये हमें क्या नाम है कि प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या गिवन है, पहले ये देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ दिया है कि इन ट्रैंगल LMN, जो ट्रैंगल LMN है, इन ट्रैंगल LMN एंगल LMN, जो एंगल LMN is equals to 90 degree, जो angle LMN है ये क्या नाम है कि 90 degree का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि given, ये क्या नाम है given है, and LN is hypotenuse, LN is hypotenuse, ये hypotenuse है, ये right angle triangle हो गया। LMN एक right angle triangle है जिसकी जिसकी hypotenuse क्या है, वो LN है। तो ये triangle में दिया गया है। तो अब क्या नाम है कि यहाँ पे एंड सेगमेंट एम आर, ये भी दिया गया कि सेगमेंट एम आर इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एलएन। तो यहाँ पे क्या नाम है, एक थ्योरम होती है कि बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई, बिकॉज बाई राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड थ्योरम, बाई राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड थ्योरम, बाय राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एम आर का जो होल स्क्वायर है टू एन आर, ये बराबर हो सकता है, ये बराबर हो जाएगा एम आर इक्वल टू एल आर इंटू एन आर। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम स्टेट करता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो उसमें क्या नाम है कि ये एम आर जो है परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपो एम आर है, वो क्या नाम है कि लाइन एल एन के परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, जो एम आर है ये एल्टीट्यूड है, इसका जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो एल आर लेंथ एल आर और इंटू आर एन के इनके प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर बराबर एल आर इंटू एन आर, ये मान लिया क्वेश्चन नंबर वन हो गई। अब फिर से लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एल के एन, इन इन ट्रायंगल एल के एन एंगल एंगल एल के एन, ये जो एंगल एल के एन है वो क्या नाम है कि राइट वो 90 डिग्री है, एंड एल एन इज हाइपोटेन्यूज, एल एन इज हाइपोटेन्यूज, ये वो क्या एल एन हाइपोटेन्यूज है, एल एन इज हाइपोटेन्यूज, इसलिए इसलिए बाय राइट एल्टीट्यूड ट्रायंगल थ्योरम, इसलिए बाय राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड थ्योरम, राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय द एल्टीट्यूड ऑन हाइपो, इसलिए जो वैल्यू हो जाएगी के आर की वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एल आर इंटू एन आर के, एल आर इंटू एन आर के। तो यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला एल के एन, इसमें ये जो एंगल ये 90 डिग्री का है, ये एंगल क्या नाम है कि 90 डिग्री, ये एंगल पूरा 90 डिग्री का, और ये के आर जो है परपेंडिकुलर टू द एल एन है, तो ये 90 डिग्री का है, और इसलिए जो एल एन वो हाइपोटेन्यूज है इस राइट हैंड ट्रायंगल का। तो अकॉर्डिंग टू द राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड थ्योरम के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल आर इंटू आर एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल आर इंटू
एन आर, ये अपनी इक्वेशन नंबर टू हो गई। तो आप लिख सकते हैं कि इन इक्वेशन नंबर टू एंड वन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में एल आर इंटू एन आर था, यहाँ पे भी एल आर इंटू एन आर है, लिख सकते हैं कि बिकॉज इन इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हैव सेम राइट हैंड साइड, सेम आर एच एस, सो दे शुड ऑल्सो हैव सेम आर एच एस, सो दे शुड ऑल्सो हैव सेम एल एच एस, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर वन है, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर वन है इसमें एल आर इंटू एन आर राइट हैंड साइड में भी है, और इक्वेशन नंबर टू में एल आर इंटू एन आर राइट हैंड साइड में, इसलिए इसका जो एल एच एस होगा ये एल एच एस होगा एम आर स्क्वायर, ये एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड एम आर स्क्वायर, उसका जो एल एच एस है एम आर स्क्वायर के इसका, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए ए आर स्क्वायर के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और लिख सकते हैं कि एम आर बराबर के आर, और ये इसलिए आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये एम आर बराबर के आर प्रूव हो गया। तो ये जो एम आर की जो वैल्यू है ये के आर के बराबर, मतलब ये दोनों लाइन सेम आ जाएगी, एम आर बराबर हो जाएगी के आर के, इसलिए आर जो होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।